सो हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक। तो आज हम आ चुके हैं अपने पास नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। जो हमारा चैप्टर है हमारे सामने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम इसकी पीडीएफ सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपने यहाँ से गूगल ड्राइव के नोट्स से। सो लेट स्टार्टेड। तो हमारा ये जो नोट है अभी ओपन हो रहा है, ये तो स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही पुट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर होता है कंपैरिजन करना, नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब कि कंपेयर करना। अब कंपेयर क्या करना है, किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने को हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। लेट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपेरिजन ऑपरेटर्स। ओके, 2 मिनट जरा मैं कीबोर्ड्स को पीछे करता हूँ। इस सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम स्क्रीन विंडो को जूम करेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू 10, डन। बी इज इक्वल्स टू 20, डन। यस, एम एस सी इक्वल्स टू, मैं अगर प्रिंट करता हूँ ए इज इक्वल्स टू बी। बट अच्छा, वन मोर थिंग, कि जो कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंशन किया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं नोट्स में चेक करूँ आपके लिए, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करते तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आने वाला है? येस, ऑब्वियसली द आंसर विल बी रॉन्ग, सॉरी। येस, प्रिंट करना पड़ेगा मुझे एक्चुअली में, प्रिंट। येस, प्रिंट। अगर मैं सी को प्रिंट करता हूँ तो क्या लगता है आप लोगों को, प्रिंट क्या आएगा? प्रिंट में आएगा आपके सामने येस 20। 20 इसलिए प्रिंट करके बिकॉज ये मैंने अभी तक आइडेंटिटीज पे अप्लाई नहीं करी है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल यूज़ नहीं होता। वन मोर थिंग याद रख लेना कि कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर जो ये होता है ना, लाइक ये देखो, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ मैंने मिस्टेक कहाँ करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर डबल इक्वल्स टू है। कभी भी इक्वल के अंदर इक्वल्स टू ही होता है कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर, कभी भी सिंगल इक्वल नहीं होता। तो मेरे को सबसे पहले तो मिस्टेक अपना सुधारनी पड़ेगी, आप मुझे डबल इक्वल्स टू आना पड़ेगा। ये मिस्टेक मैंने आप लोग को जानबूझ के लिए की ताकि आप लोग समझ सको। लुक एट दिस, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए और बी नहीं है वो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे टाइप्स के हैं, मैं सभी को एक एक करके धीरे धीरे यूज़ करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से क्लियरली हो सके। तो हमारा फर्स्ट हो गया इक्वल्स टू वाला। अब हम दूसरा करेंगे नॉट इक्वल्स टू वाला। तो नॉट इक्वल्स टू के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे यस ए इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। ये रुको, वॉट एवर दिस इज वेयर, यस यस, ये यहाँ पे साइन नहीं आएगा एक्चुअल में, ये साइन यहाँ पे आने वाला है। ओके, अब देखो क्या आ रहा है आंसर। यस द आंसर विल बी ट्रू, येस द आंसर विल बी ट्रू, येस द आंसर विल बी ट्रू बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल्स टू। याद रख लेना कि इक्वल से पहले आता है। ये सिंटैक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा सेम एग्जैक्टली। कहाँ गए, ये रहा, यहाँ पे आपको पता लगेगा कि येस चेक करने के लिए फिर ग्रेटर देन लेस देन वाला है। मैं दोनों करके दिखा दूंगा। दोनों के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख देता हूँ क्या जा रहा अपना है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी बी इज ग्रेटर देन ए। तो वॉट इज विल द आंसर, आंसर अगर ट्रू, येस जो बी है वो ए से बड़ा है, बात सच है वैसे एकदम सेम। तो मैं सारे एक बार यूज़ करके दिखा दूँ आप लोगों को ताकि आप लोग, एक तो मैंने कर दिया, दूसरा इक्वल्स टू मैंने सारे एक बार फटाक से कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पे एक करूँगा इक्वल्स टू इक्वल्स टू, दूसरा आएगा एक इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। यस, एक इक्वल्स टू नहीं आएगा। ओके फर्स्ट, एंड उसके बाद से हम करेंगे ये सही था यार, ये तो सही था, क्या कर दिया, हाँ यस ये सही था। ये वाला मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, ये वाला चेंज कर दिया मैंने। एंड और कौन कौन से टाइप के बूलियन ऑपरेटर्स हैं, यस यस ग्रेट देन इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू समझते हो आप लोग कि या तो उससे बड़ा या तो वो, ठीक है। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ एक और स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट और करनी है मुझे एक्चुअली। तो मैं दो और स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूंगा इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे एक में दे दूंगा और एक में मैं यहाँ, और ओके सॉरी सेम हो जाएगा, यस एक हम यहाँ पे दे देंगे साइन, डन। क्या लगता है, वॉट विल, ओके समथिंग मिस्टेक, यस मैंने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक है, एक 1 मिनट सर। यस मुझे समझ में आ गया, मिस्टेक ये रही, मिस्टेक ये रही। ओके लेट फाइन, लुक एट दिस, सारा सामने आपके सामने आ चुका है कंपेरिजन ऑपरेटर्स का काला चिट्ठा कि यस क्या है क्या है। आपको पता लग गया है कि ए इज, अब देखो अगर मैं इस वाली कट कमांड की बात करता हूँ तो ए इज इक्वल्स टू और इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, तो बात सच है बी इज ग्रेटर देन। तो ये क्या है आंसर, इट विल बी द ट्रू। आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।